Because Jinnah was such a great brain कि he had come to this particular country and even in those days, 107 years back, he had come to this particular country and कि now if they wanted to get some benefits from the Britishers, as the Britishers had become the rulers and they have become the owners of every black and white. So Jinnah had come to this country and if they wanted to get any benefit from the Britishers, so what they would have to do? They would have to become united so that the Britishers would give some kind of advantages to the natives, Indians and Muslims and Sikhs, whatever. जी अहमद, ये बात समझ आ गई? ठीक हो गया सर। एक वाक्य, अच्छा, लेकिन जब जिना ने कोशिश की ना कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की आपस में सुलह कराई जाए, तो कांग्रेस वॉज हैविंग वेरी रिजिड एटीट्यूड टूवर्ड्स मुस्लिम लीग. कांग्रेस ने कहा, मुस्लिम लीग तुम कौन हो? मुस्लिम लीग, हम तुम्हें मानते ही नहीं, हम तुम्हें जानते ही नहीं. मुस्लिम लीग, हम तुम्हें पहचानते ही नहीं. मुस्लिम लीग, वी डू नॉट एक्सेप्ट यू. मुस्लिम लीग, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज यू. मुस्लिम लीग, यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कम्युनिटी इन इंडिया, बिकॉज इफ देयर इज एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कम्युनिटी इन इंडिया, तो ओनली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कम्युनिटी इन इंडिया वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस. कांग्रेस ठीक, ये जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्लोगन है, इसकी वजह से वो मुस्लिम लीग को कहते हैं कि मुस्लिम लीग, हम तुम्हें मानते ही नहीं, हम तुम्हें जानते ही नहीं, हम तुम्हें पहचानते ही नहीं. वी डू नॉट नो यू, वी डू नॉट एक्सेप्ट यू, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज यू. मुस्लिम लीग, तुम कौन हो? मुस्लिम लीग, अजनबी, किस देश से आए हो? किस दिशा से आ रहे हो? अजनबी, क्या पश्चिम से पूरब की जानिब जा रहे हो? हम तुम्हें नहीं जानते. मुस्लिम लीग, चारों ओर अंधेरा छा रहा था, शायद कोई घटना घटने वाली थी. कांग्रेस मुस्लिम लीग को नहीं पहचानती थी. ऐसे में जो घटना पेश आई वो क्या थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन. ठीक हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड, हसान अहमद क्या कह रहे हैं? और रेजरी में कौन था? क्या मैं समझ नहीं आई बात हसान? सर वो कह रहे हैं रसोड़े में कौन था? कोकिला बैन बन गया ना वो। कौन सा? वाह जी वाह. अच्छा, आपको कैसे पता है ये अहमद को ये कह रहे हैं? तो चैट प्राइवेट नहीं है? नहीं सर वो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी यही चलता रहता सारा दिन। अच्छा, ग्रुप में भी लिख रहे हैं साहब. रसोड़े में कौन था? तो भाई कोई घटना घटने वाली थी और पूरनमासी की रात थी भाई, जिस वक्त जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी. अच्छा, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तो उससे क्या हुआ भाई? रसोड़े में वो कहते हैं जी अहमद था, वो खाना खाने गया था वहां पे कोई चीज. ओके, खुश रहा करें, हंसते खेलते रहा करें, दैट्स ग्रेट. तो पूरनमासी की रात पे क्या हुआ आसान? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई. अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, उसमें इंग्लैंड को जो है वहां पे अपने घर में मार पड़ रही थी. वीक हो रहा था इंग्लैंड, तो यहाँ पे हिंदूज जो हैं दे वर क्विक एनाफ. उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स को वहां अपने घर में मार पड़ रही है तो ये कमजोर हो रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ इंडिया में भी इनको मारे पकड़ के कमजोर करें समहाउ इनको, और इनको मैक्सिमम बेनिफिट इनसे लेने की कोशिश करें या इनको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करें. दोनों सूरतों में स्ट्रेंथ चाहिए थी, ताकत, पावर. वो कहां से आएगी? वो आएगी यूनिटी से. यूनिटी कहां से आएगी? मुस्लिम्स को साथ मिला लो. मुस्लिम्स को जब साथ मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे? मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट बनाएंगे. लेकिन मुस्लिम लीग को तो वो जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, मानते ही नहीं. डू नॉट एक्सेप्ट, डू नॉट रिकॉग्नाइज, डू नॉट, दे डोंट नो मुस्लिम लीग. तो वो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कांग्रेस ने वक्ती तौर पे कि यार जो जो डिमांड्स ये कहते हैं ना मुसलमान, वो मान लो, उनको मजे से मान ले. इस वक्त कहते हैं हाँ यार ठीक है, जब आपस में पैक्ट बना लेते हैं कि जितनी तुम सीटें कहोगे तुम्हें देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट तुम्हारा कायम रहेगा, वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन भी तुम ले लेना, हम कोई एतराज नहीं करेंगे. तुम जनाब जॉब्स में कोटे भी ले लेना, हम कोई एतराज नहीं करेंगे.
इस वक्त इनकी सारी बातें मान लो, इनको अपने साथ मिला लो और ब्रिटिशर्स को कमजोर कर दो, और जिस वक्त हमारी पावर आ जाएगी तो हम इनकी बातें, जो जो वादे इनसे किए होंगे उनको हम मुकर जाएंगे, उनसे बैकअप कर जाएंगे अपने वर्ड से। तो उन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट बनाया मुसलमानों के साथ। अगर आपको जहन में हो तो उस दिन मैंने जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पूरा चेन बोर्ड पे लिखा था तो मैंने लखनऊ पैक्ट को रेड डब्बे में डाला था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ के जो तीन स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रिटिशर्स, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, ये आपस में इनमें से कोई दो फरीक या तीनों फरीक बात कर रहे हैं, नथिंग इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। द वे वी पुट शिमला डेलीगेशन इन द बॉक्स, कि वो कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, वो दो स्टेक होल्डर्स ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स आपस में बैठ के बात कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे कि नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दी जाएंगी तो उसमें क्या क्या चीजें मुसलमानों के लिए रखी जाएंगी। अहमद, याद आ गई ये बात? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी छोटी सी, कि जो कांग्रेस है उसमें भी तो कोई मुसलमान होंगे कोई ना कोई, तो अगर वो मुस्लिम वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑफर कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले मुसलमानों के लिए भी थ्री वन थर्ड ऑलरेडी? नहीं नहीं, वो कांग्रेस के पैनल से जो आएंगे वो अलग लोग हैं, कांग्रेस जाने वो जाने। मुस्लिम लीग जो है, जो कांग्रेस में लोग नहीं थे, ये उनके लिए सीटें मांग रहे मुसलमानों के लिए, क्योंकि कांग्रेस में जो मुस्लिम थे उनका कुछ और स्कूल ऑफ थॉट था। वो फिलहाल अभी तक तो 1916 तक तो पाकिस्तान के क्रिएशन की बात ही नहीं थी, लेकिन वो ये चाहते थे, कांग्रेस में जो मुस्लिम थे, अबुल कलाम आजाद वगैरह जैसे फेमस लोग भी थे, वो ये चाहते थे कि जितने भी मुसलमान हैं वो कांग्रेस में ही आए और एक ही पॉलिटिकल पार्टी रखी जाए, और ताकि इसकी इतनी स्ट्रेंथ बन जाए कि ये ब्रिटिशर्स को काउंटर कर सके। लेकिन ब्रिटिशर्स भी फनकार लोग थे, उन्होंने शिमला डेलीगेशन की, पहले उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की, फिर शिमला डेलीगेशन करवाई, फिर मुस्लिम लीग फॉर्मेशन करवाई और हिंदूज और मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ को बांट दिया और डिवाइड एंड रूल करके मजे से हुकूमत करते रहे। बात समझ आ रही है आपको? Yes, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि शिमला डेलीगेशन वाज अ प्लांटेड प्रोजेक्ट, इट वाज इंजीनियर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और नवाब मोहसिन मलिक एंड वकारुल मल्क वगैरह जो है ये ब्रिटिशर्स के कहने पे इन्होंने शिमला डेलीगेशन की थी, और इतने आराम से तभी सब बातें लॉर्ड मिंटो ने मान ली थी, ताकि इनको इनकरेजमेंट देके फिर अपने ही इन्हीं लोगों के जरिए इलीट क्लास के मुस्लिम से ना ये मुस्लिम लीग बनवा दी जाए और फिर हिंदूज और मुस्लिम को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। खुद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना के दी, लेकिन वो इतनी पावर पकड़ने लगी इंडियन नेशनल कांग्रेस कि ब्रिटिशर्स को खुद उससे डर लगने लग गया। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द पावर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्रिएट करवाई। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है। अहमद बेटे, बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। अगर बाकी लोगों को भी बात समझ आई तो यहाँ पे लिखे कोई, ताकि मुझे समझ आए सबको। सर मुझे आ गई है तो बाकियों को तो आ ही जाएगी समझ। नहीं, मैं आपके इस क्राइटेरिया से एग्री नहीं करता बेटा। आप एक बहुत लायक बच्चे हैं, एमएससी इंजीनियरिंग आपने की हुई है, आप कोई आम आदमी तो नहीं है। पाकिस्तान में कितने लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है बेटा? हार्डली पॉइंट्स में होगी परसेंटेज उसकी। तो आप तो डॉक्टर्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, और आप सारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, आप तो हमारे मुल्क की क्रीम है ना बेटा। तो आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना किया करें कोई भी आप लोगों में से। अच्छा जी, सना शबीर है, कहती है सर। ओके जी, मुस्तफा इमरान क्या कहते हैं? सर यू आर टॉकिंग अबाउट लखनऊ पैक्ट, बैकग्राउंड ना है। अहमद, इस बात का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि लखनऊ पैक्ट के बैकग्राउंड की आप बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं बात कर रहा हूं शिमला डेलीगेशन की, ठीक है, और वहां से हालात चल के यहां तक आएंगे ना। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि शिमला डेलीगेशन वाज अ प्लांटेड प्रोजेक्ट, ये लोग कहते हैं उसके बारे में। अच्छा, तो आगे जिस वक्त चलते हैं बात को लेके, तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह शिमला डेलीगेशन जो है, दैट वाज नथिंग टू बी, देयर वाज नथिंग टू बी इंप्लीमेंटेड इन शिमला डेलीगेशन। वो सिर्फ दो फ्रीक आपस में बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स एंड द मुस्लिम्स। तो यहां पे कौन से दो फ्रीक आपस में बात कर रहे हैं? हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। डन हो गया जी। अच्छा, बात क्या कर रहे हैं लखनऊ पैक्ट?
सारी बातें मानी जा रही है हिंदू मुसलमानों की, कांग्रेस सारी बातें मान रही है मुस्लिम लीग की, क्यों? कि इस वक्त इनको साथ मिला लो, बाद में मुकर जाएंगे, नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले जिन्ना ने कहा कि फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा इंडिया में, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, कांग्रेस वालों ने कहा जी बिल्कुल होगा, हम कोई इतराज नहीं करेंगे। जिन्ना ने कहा मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट कायम रहेगा, 1909 में मिल गया हुआ था ना हमें, जी सर, तो उसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे थे कांग्रेस वाले कि वो रोल बैक किया जाए डिसीजन, मुसलमानों से सेपरेट इलेक्टोरेट वापस लिया जाए। तो अगर वो कांग्रेस वाले एजिटेशन कर करके पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन रोल बैक करा सकते थे, तो फिर मुसलमानों को ये डर था कि कहीं वो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट का डिसीजन जो है वो भी रोल उसको बैक भी वापस ना कर दें। ठीक है जी, ऐसे। जी अहमद बात जी कहाँ तक सर, पहुंचे? सेपरेट इलेक्टोरेट वुड बी वुड स्टे इंटैक्ट, इन्होंने के रोल बैक नहीं करेंगे उसको। कहा जी सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में आप एजिटेशन करना बंद करें, सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा कायम रहेगा। कांग्रेस ने कहा जी बिल्कुल कायम रहेगा, हम कोई इतराज नहीं करेंगे। जिन्ना ने कहा मुसलमानों के लिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, उन्होंने कहा जी बिल्कुल होगी, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। जिन्ना ने कहा सिंध को बंबई से अलग कर देंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर दें, हमें कोई एतराज नहीं, हम कोई एतराज नहीं करेंगे इस पे। जिन्ना ने कहा KPK यानी NWFP और बलोचिस्तान को तमाम छोटे सूबों जैसे हकूक दे देंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे देंगे, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। जिन्ना ने कहा कि आप जुडिशी को एग्जेक्टिव से अलग कर देंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर देना चाहिए, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। जिन्ना ने कहा किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक इसकी 3/4 मेजोरिटी यानी 75% लोग साइन न कर दें, तब तक वो नहीं होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं जिन्ना, ऐसा ही होगा। जिन्ना ने कहा, ये आखिरी पॉइंट जरा एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखिए अहमद, आप एक कम्युनिटी के लीडर हैं, जी आपके साइनों से उस कम्युनिटी के हक में या उसके खिलाफ कोई बिल पास हो सकता है। तो आप एक फर्दे वाहिद हैं, सिंगल पर्सन हैं, यू कैन बी ब्राइब्ड, यू कैन बी थ्रेटेंड, यू कैन बी ब्लैकमेल्ड। लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी के वहां पे 100 लोग बैठे हैं और उनमें से 75% लोगों के साइनों से बिल पास होना हो, तो फिर 75 लोगों को जो है वो थ्रेट करना या ब्लैकमेल करना या ब्राइब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक बात जी है? तो ये सर, जिन्ना ने एक सेफर साइड रखी, उन्होंने कहा किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक इसकी 3/4 मेजोरिटी 75% पीपल उसे एक्सेप्ट नहीं करते, साइन नहीं करते। जिन्ना ने कहा कि सीटें जो 1861 में 12 से शुरू हुई थी, 1892 में 16 हुई, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में 60 हुई। जिन्ना ने 1916 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस से बात करते हुए कहा कि वो सीटें होनी चाहिए 150। इंप्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा, आपस में बात कर बस रहे बातें हैं हो रही दो हैं सर। फ्रीक बैठ के, प्लान कर रहे हैं कि जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आए तो हमें क्या कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें ये मिलना चाहिए कि सीटें हमारी हो जाएं 150। 150 ओके, यस सर। साथ जिन्ना ने कहा कि भाई जहां आप नहीं, 150 फॉर मुस्लिम्स नहीं, मुस्तफा इमरान फॉर ओवरऑल होल है, ओवरऑल 150 होनी चाहिए। क्या चीज है भाई? अच्छा,
तो मैं क्या कह रहा था, 150। सात जिना ने कहा सीट एडजस्टमेंट सिस्टम लगाएं। नोट्स आपके सामने हैं अहमद, यस सर, सीट एडजस्टमेंट सिस्टम यानी जहां आप मेजॉरिटी में हैं आप हमें सीटें देंगे, जहां हम मेजॉरिटी में हैं हम आपको सीटें देंगे, ताकि हर पार्टी की हर जगह से जो है रिप्रेजेंटेशन बन जाए। जैसे कि आपको मैं मिसाल देता हूं कि आजकल अगर इलेक्शंस हो तो नून लीग को कराची में कोई सीट मिलती है? नो सर, नो। और एमक्यूएम जो है ना भाई, सत्तार भाई वाली एमक्यूएम, एमक्यूएम को लाहौर में कोई सीट मिलती है भाई? नो सर, नहीं मिलती। अच्छा, तो अगर एमक्यूएम और नून लीग आपस में पैक्ट बना ले और नून लीग कहे कि एमक्यूएम वाले भाई हम आपको सीटें दे देंगे लाहौर में दो तीन सीटें, और आप दो तीन सीटें हमें कराची में दे दें, अच्छा उससे दोनों पार्टियों की टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो बराबर रहेंगे, जितने थे उतने ही रहेंगे, हाँ जी लेकिन नून लीग को कराची से रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और एमक्यूएम को लाहौर से रिप्रेजेंटेशन लाहौर मिल जाएगी। से। हमारे भाई बात समझ आ रही है ना आपको? यस सर, अब एमक्यूएम ना सत्तार भाई की, अभी यहाँ पे यस रिप्रेजेंटेशन मिलेगी लाहौर में उनको, पाकिस्तान हो गए कराची रिप्रेजेंटेशन ला बेचारे नून लीग को भी, असि भी उसे जाकर न्यारी खा भाई सिरी पाए। ठीक है जी अहमद, कैसे सिरी सर पाए वगैरह मिलते हैं मुल्तान में? खुद सर पता नहीं, हम तो बनवाते हैं बनवाते हैं? जी सर। अच्छा, लाहौर से खाए कभी आपने सिरी पाए वगैरह? मैं 10 साल लाहौर रहता हूँ, अच्छा वेरी गुड। किस एरिया में रहे हो लाहौर के? बैरिया टाउन में, पहले गुलबर्ग में था, गुलबर्ग 3 में। हाँ गुलबर्ग 3 अच्छी जगह है। जी, बैरिया टाउन में कहाँ आपको सिरी पाए मिलने हैं भाई? हाँ उधर नहीं मिलते थे, थी उधर नहीं भाई, शॉप उधर लेकिन उधर मजा नहीं था, हैं? उधर थी शॉप लेकिन मजे के नहीं थे उधर। नहीं, वो बिल्कुल सवारी नहीं पैदा होता, ये तो स्पेशलाइज्ड है इधर का एरिया सारा गुलबर्ग में। अब वो काफी उधर से ना अंदरून शहर से इस तरफ भी शिफ्ट हो गए हैं, गुलबर्ग में मुस्लिम टाउन वगैरह पे हजे के हाँ पाए और ये और वो सब चीजें, उस्ताद फजाल मशहूर, ठीक है जी, जी तो ये सब चीजें अब तो मिलती हैं। और कराची में जो है ना वो अब देखें, अगर आपने वहां पे पाए खाने हैं तो आप दुकानदार को जाके क्या, अब भाई हमें 2 कदम दीजिए, अब भाई दो कदम डाल दीजिए, दो पाए डाल दीजिए हैं जी, तो जो जिस इलाके की डिश होती है ना वही की होती है। यहाँ पे तो एक एक दो दो तीन बंदे दही का पूरा कूड़ा खा जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये इस इलाके की पंजाब की लाहौर वगैरह की सारी ये जो है ना दही एक फेवरेट डिश है यहाँ के लोगों की, हर इलाके की अपनी अपनी डिशेज होती हैं। हसान अहमद आ गए हैं, वो बताएंगे कि तलागंज में क्या चीज शौक से खाई जाती है। कहते हैं जी थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। वाह जी वाह हसान, दिल खुश कर दिया यार, कैसा आला शेर लिखा उन्होंने। कहते हैं थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, ओए तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ठीक है लगता है अहमद, हसान माइक पे दोबारा आना चाह रहा है हाँ जी अहमद, ऐसे जो शेर लिखने वाले शायर है ना जी वो बंदे को जलसे में बोली लिखवाते हैं, आपको अच्छा पता तो जलसे में बोल रहा है, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा, ठा हो गया इसलिए हसान माफी दे दे भाई हमें ऐसे इनकलाबी शेरों से। लेकिन एहसान बहुत खूबसूरत शेर बोला भैया आपने, बहुत प्यारा शेर लिखा है और बहुत प्यारा मजा आया मुझे सुना है। बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आपके जो फारूक भाई आपने लिखा है नीचे, जिन्होंने शेर लिखा है फारूक भाई ना, फारूक भाई का शेर है भाई, फारूक भाई का। अच्छा जी, तो अच्छा जी क्या बात हो रही थी भाई सीट अहमद? एडजस्टमेंट सीट सिस्टम आएगा। हाँ एडजस्टमेंट के जहां आप मेजोरिटी में आप हमें सीटें दें, जहां हम मेजोरिटी में हम, जैसे कि बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, कुछ और सोच रहे हो सोचना छोड़ दें मेरी बात सुने, बंगाल में मुस्लिम्स वर 53%, 53, और हमने कहा कि कांग्रेस वालों आप ले लो सीटें हमसे 13% और ले लो, हम 40% पे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी 13% हमने सरेंडर कर दी। समझ आ रही है अहमद आपको? बंगाल यस सर, में वी वर 55%, 55, 55%
और हमने एक्सेप्ट पंजाबी कर ली 50%, 5% उनको दे दी, तो बॉम्बे में कितने थे हम अहमद, 20%, 20% और कितनी मीटें मिल गई हमें सीटें, 33%, 13%। यानी जहां वो मेजोरिटी में थे उन्होंने भी हमें सीटें दी ना, हाँ तो जी आगे क्या लिखा हुआ है, मद्रास में भी 7%, तो सीटें हमें कितनी मिल गई अहमद, 15%। 15%, सीपी में भी 4%, 14% लिखा हुआ सीपी के आगे, 14%, और सीटें कितनी मिल गई, 30%। 30%, और यूपी में भी 4%, हाँ जी, और 15% होगी बाद में। और सीटें मिल गई 15%, यानी जहां हम माइनॉरिटी में थे उन्होंने हमें कुछ सीटें दे दी, जहां वो माइनॉरिटी में थे हमने उनको कुछ सीटें दे दी, जैसे कि हमने बंगाल में 53% थे, हम 40% दे दी, बाकी उन्हें दे दी, पंजाब में वी वर 55%, हमने 50% दे दी, 5% उनको दे दी, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ये हुआ भाई कि जहां हम रिप्रेजेंटेशन हमारी कोई भी नहीं थी या बहुत थोड़ी थी, हमें रिप्रेजेंटेशन मिल गई, जहां उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी थी उन्हें मिल गई। लेकिन अगर आप गौर करें तो द सीट्स विच द मुस्लिम्स मैनेज टू गेट दोज प्रूव्ड वर्थलेस इन द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। देखिए आप एक जगह चार लोग हैं 100 में से, यू आर हैविंग नो से, नाउ यू आर 15%, अगेन यू आर हैविंग नो से, भाई 100 में से चार की भी कोई वैल्यू नहीं, 100 में से 15 की भी कोई वैल्यू नहीं। हाँ अच्छा जो सीटें उनको मिली उससे देखें क्या वर्थ बनी, बंगाल में वी वर 53%, हमने 40% मान ली, 13% उनको दे दी, पहले भी वो जीरो नहीं थे, वो 22 23 जी, परसेंट 24% के नजदीक मौजूद थे, 13% हमने दे दी, वो भी 37 38% हो गए, हम थे कितने जो 40। 40% पे आ गए थे, तो बराबर शराबर काम हो गया ना। हाँ जी, अच्छा और इसी तरह पंजाब में हुआ, हमने 5% जो एक्स्ट्रा थे उनको दी, पंजाब में वो भी देखे ना जो इंडियन पंजाब आजकल का है, वहां पे बहुत सारे हिंदूज हैं, तो वो वहां पे भी एट पार हमारे आना शुरू हो गए, यानी जहां हम मेजोरिटी में थे हम उनको एट पार ले आए, ठीक है, सही, और फायदा जहां हम माइनॉरिटी में खुद थे वहां हमें जो सीटें मिली भी उनका कोई हमें कोई नहीं। प्रैक्टिकल बेनिफिट ना हो सका। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि चौधरी खलीकुज्जमान एक जगह लिखते हैं कि द लखनऊ पैक्ट वॉज द क्लियर एविडेंस ऑफ मुस्लिम इन एक्सपीरियंस इन द पॉलिटिक्स। लखनऊ पैक्ट वॉज अ क्लियर एविडेंस ऑफ द मुस्लिम इन एक्सपीरियंस इन द पॉलिटिक्स। सही, अलामा इकबाल वो बहुत सख्त खिलाफ थे जी लखनऊ पैक्ट के, अलामा इकबाल कहते थे बिल्कुल किसी किस्म का पैक्ट ये लखनऊ पैक्ट ना बनाओ। देखिए यहां पे दो बड़े ब्रेन सब कॉन्टिनेंट के आपस में कंट्राडिक्शन में नजर आ रहे हैं। अलामा इकबाल कहते हैं लखनऊ पैक्ट ना करो, इसका बहुत नुकसान पहुंचेगा मुसलमानों को। जिना कहते हैं कि मैंने तो करना ही करना है लखनऊ पैक्ट, ठीक है, तो जिना करके हटे लखनऊ पैक्ट, बिकॉज जिना वॉज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जबकि लीडर्स लाइक अलामा इकबाल दे वर अगेंस्ट लखनऊ पैक्ट। मोर ओवर ये मुस्लिम और पॉलिटिकल अवेयरनेस की कंप्लीटली यहां पे हमें नजर आती है, इन एक्सपीरियंसेस का नजर आता है। एनीवे लखनऊ पैक्ट हो गया जी, लखनऊ पैक्ट व्हेन इवन इट वाज मेड और हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट हो गई बहुत ज्यादा, इट इज कंसीडर्ड एज इट इज कॉल्ड हनीमून पीरियड इन बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो ये जब यूनिटी इतनी हो गई तो अब अंग्रेजों को लगा डर ब्रिटिशर्स को कि यार इनकी तो यूनिटी हो गई है तो इनकी यूनिटी को समहाउ जो है वो तोड़ना पड़ेगा। तो अब यूनिटी को तोड़ कैसे रहे हैं वो आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने 1919 में 1919 में उन्होंने यहां पे दो बंदों को भेजा, एक पाई का नाम था जी मॉन्टीगो और एक पाई का नाम था चेम्सफोर्ड। 1919 मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, अहमद एक पेज, ये जो चेन वाला पेज है ना जी इसे एक पेज मेरा बेटा आगे करो, एक पूरे पेज पे सिर्फ मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स नजर यस आएंगी सर। आपको, है इसी पे हाँ हैं, जी, इसी पे अभी पेज पेज नंबर ले ताकि सबको मिल जाए, पे, पेज नंबर 43 है नोट्स का और पीडीएफ का 46। पेज नंबर 43 है जी नोट्स का और पीडीएफ का 46। यार ये पीडीएफ में फर्क क्यों होता है पेज में अहमद,
सर वो पहले एक दो पेजेस जो है वो इंट्रोडक्टरी से या जिसमें तस्वीरें बनी हुई है कायदे आजम इकबाल की, वो वहां से फिर फर्क आ जाता है। अच्छा, मैं उन्हें कहूंगा रिमूव कर दें वहां से वो, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि बराबर होने वो चाहिए। उसका कौन सा उसका कौन सा। चले जी, पेज 46 पीडीएफ का, 43 नोट्स का, ये आपके सामने मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का एक पूरा पेज है। सुन लें, मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक ऐसी चीज है कि अगर मैं भी उसको किसी किताब से पढ़ू ना अब, तो मैं पजल हो जाऊं, यार ये क्या मुसीबत है, ये क्या है, समझ नहीं आती। लेकिन वो इतनी आसान चीज है, मैंने एक पेज पे पूरे मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड की कहानी लिख दी। कैसे? पहले तो ये याद रखिए कि मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स फर्स्ट टाइम एवर सब कॉन्टिनेंट में लेके आया दो ऐसी चीजें जो पहले यहां पे कभी मौजूद नहीं थी। अहमद, कितनी चीजें लेके आया? दो चीजें दो। कैसी चीजें? जो पहले यहां हम कभी मौजूद नहीं थे। पहले यहां पे मौजूद नहीं थी, नो प्रेसिडेंट, पहली मर्तबा यहां पे वो दोनों चीजें लेके आया, मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो सबसे पहली चीज क्या है? डायरकी सिस्टम, DYRCHY, डायरकी सिस्टम। इसको हम बाइकैमरल सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम दो तही निजाम भी कहते हैं, टू लेयर्ड सिस्टम। ठीक हो यानी मैं जो लफ्ज बोलता हूं, अहमद उसका मतलब पे गौर, सारे गौर करें, मैं लफ्ज बोलता हूं। दो, सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, मतलब बताएं अहमद। सर, लेजिस्लेचर के दो हिस्से हो गए ना, क्योंकि लेजिस्लेचर्स हो गया वो सेंट्रल। सेंट्रल लेजिस्लेचर्स यानी सेंटर में लेजिस्लेशन करने वाले। अब हाँ जी, एहसान अहमद कह रही है ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले सर ने थोड़ा पढ़ाया है, ये क्या है आपने पूछा है एहसान, बताया बेटे, मुझे नहीं समझ आई वो बात। बता रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस हुई थी ना तीन, तो जी उसमें उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया था इन चीजों का, मतलब चले, फिर तो आपको माशाल्लाह बाइकैमरल पता और सारा, यूनिकैमरल चले वाला। फिर हाँ तो जी, सारा पता है, फिर तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इतना इन डेप्थ उन्होंने इसको नहीं करवाया, मतलब ओवरव्यू दिए थे इनके पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस के और ये अहमद, रिफॉर्म्स के। आपको मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की क्या समझ है अब तक, वो मुझे बताएं ताकि मैं उससे फिर आगे चलूं। सर जी यही पता है हमें कि अपर लोअर हाउस में डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे सीट्स वगैरह लिखी हुई है, वो वाली चीज उन्होंने नहीं बताई हमें। मतलब ये बताया था कि कौन सी गवर्नमेंट में बाइकैमरल था, कौन सी में यूनिकैमरल था, और इस तरह उन्होंने बताया प्रोविंशियल में उन्होंने जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और उसके बाद मिनिस्ट्री वाली चीज डाली थी, और इस तरह की उन्होंने ओवरऑल बताई थी, मतलब ब्रीफिंग दी थी हल्की सी। ओके, मेरी बात सुने ध्यान से। मैं ये कहता हूं कि दो चीजें पहली मरतबा लेके आया मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड जो पहले यहां पे मौजूद नहीं थी, जिनमें से एक है बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम को हम दो तही निजाम यानी टू टीयर सिस्टम यानी डायरकी सिस्टम भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, सेंटर में लेजिस्लेशन करने वाले, यानी दो हाउसेज होंगे सेंटर में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस, ओके, फिर यस सर। सुने जुमला, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स यानी प्रोविंसेस में लेजिस्लेशन करने वाले लेजिस्लेचर्स यानी प्रोविंसेस में भी दो हाउस होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके, ठीक हो गया सर। अच्छा जी, अब सेंटर में जो दो हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वो कौन कौन से हैं भाई? अपर हाउस का नाम क्या है अहमद? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और लोअर हाउस का नाम क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। लोअर हाउस का नाम है सेंटर में। अच्छा, सेंटर के लिए उन्होंने सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पोर्टफोलियोज, यानी कौन कौन से शोबों को डील करना है। तो सेंटर में मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं अहमद ये? डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, कस्टम्स, पोस्ट और टेलीग्राफ, करेंसी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करेंसी एंड कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्ट्स टू बी हैंडल्ड हैं बाय सेंटर, बाय सेंट्रल बोथ लेजिस्लेचर। द हाउसेस इन द सेंटर। अपर हाउस और लोअर हाउस इनको डील करेंगे। जो अपर हाउस है वो बनाया गया है फॉर 5 ईयर्स। जो अपर हाउस है उसका जो प्रेसिडेंट है, दैट वुड बी नॉमिनेटेड बाय द वॉयसराय। जो अपर हाउस है
उसमें सीटें रखी गई हैं 60। ओके यस सर। अब जुमले जरा ध्यान से सुने, टेक्निकल चीज आई थोड़ी सी थोड़ी सी। मैंने कहा दो ऐसी चीजें हैं जो मॉन्टिगो चेम्सफोर्ड यहां पे पहली दफा लेके आया, उससे पहले मौजूद नहीं थी। तो एक तो बता दी क्या है, यानी टू टीयर सिस्टम बाई कैमरल डायरेक्टली सिस्टम, ये तो बता दिया। दूसरी कौन सी ऐसी चीज है जो पहली दफा मॉन्टिगो चेम्सफोर्ड लाया और उससे पहले यहां मौजूद नहीं थी, तो वो चीज है आपकी सीटों में इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी। यानी सीटें हैं 60, तो बीच में से 33 इलेक्टेड। जी अहमद समझ आई? यस सर, मेजॉरिटी जो इलेक्टेड मेंबर्स की होगी। हाँ जी, फर्स्ट टाइम एवर हुआ ये, उससे पहले हमेशा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ब्रिटिशर्स के अपने एतमाद वाले, वही ज्यादा होते थे। इट हैड हैपेंड फर्स्ट टाइम एवर इन द सब कॉन्टिनेंट के इलेक्टेड मेंबर्स की तादाद बढ़ गई थी। तो इलेक्टेड मेंबर्स की तादाद बढ़ के उन्होंने 60 में से 33 इलेक्टेड मेंबर्स हैं जी, और 27 नॉमिनेटेड है। डन? यस सर। इन 33 में से 11 मुस्लिम्स हैं। अहमद शाह? यस सर। शाह जी, ये 11 क्यों, 10 होते या 15 होते, 11 ही क्यों? ये तो मुझे नहीं पता क्यों 11 लिया इन्होंने। नहीं अहमद शाह, मुझे आपसे इसका जो लिखेगा कोई नहीं। जी हाँ, ठीक है सर, वन थर्ड मेजोरिटी, ठीक है, समझ आ गई। ये चीज, शाबाश, वन थर्ड हो गए ना यार, ग्रेट यार, वेल डन। तो साबित ये हुआ कि अगर आप अहमद, अगर आप अपनी उस चीज को जहमत दें जिससे आप बहुत कम काम लेते हैं, जिसको कहते हैं, तो वो फटाफट जवाब दे देते हैं, लेकिन उसको पूछे तो सही भाई, वो ऑटोमेटिक तो नहीं है। और वैसे भी जी ये जो दिमाग होता है ना अहमद, ये पैदाइश से लेके मौत के 15 मिनट बाद तक काम करता रहता है, पता है आपको इस बात का? यस सर। और बंदा मर जाते है, दिमाग देख रहा होता है, अच्छा है, काटर हो रहा है मेरे मरण से बंदा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मर गया होता है। तो ये है दिमाग, पैदाइश से लेके मौत के 15 मिनट बाद तक चलता रहता है। बस दो मौकों पे इसको मौत पड़ती है, एक एग्जामिनेशन हॉल में, yes, और दूसरा जब आपके कानों में आवाज पड़ती है कि फलां बिन फलां भाई वो इतने हक मेहर कबूल है, तो वही भी ये काम करना बंद करते, मौत पड़ जाती है इसको, वरना बंदा बच सकता है। पूछे फरक जेब से जरा यार, अहमद शाह से ले इजाजत, जरा फरक जेब के पास चलते हैं, बेटे से बात नहीं बड़े दिन से। अहमद, नाइस टॉकिंग यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जीते रहो, सलामत रहो, बहुत सी कामयाबियां हासिल करो, बहुत सी दुआएं आपके लिए। अच्छा जी, कहां गया भाई फरक जेब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फरक, कैसे हो बेटा? सर ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, सर आप कैसे हैं? आई एम फाइन थैंक यू। फरक, आपके कितने बच्चे हैं बेटा? सर मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। बेटी है आपकी, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो बहुत सी दुआएं जी छोटी सी बेटी के लिए, प्यारी सी बेटी के लिए, ढेर सारी दुआएं जनाब, और आपको हमेशा उसकी तरफ से जो है वो सुकून मिले, और बच्ची को बहुत सी कामयाबियां जिंदगी और सक्सेसफुल लाइफ जिए अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, और आपका साया बच्चे के सर पे हमेशा सलामत रहे जी। फरक जेब साहब, ये बताइए, ये जो आवाज कानों में पड़ती है कि फलां बिन फलां बाइबल इतने हक मेहर कबूल है, तो मैंने सुना है ऐसे मौके पे दिमाग को मौत पड़ जाती, चुप कर जाता, मशवरा ही नहीं कोई देता, आप क्या समझते हैं? सर आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने ज्यादा टाइम गुजार लिया है, आपको देना चाहिए। सवाल के जवाब में सवाल नहीं, जो जवाब है वो जवाब दो, खबरदार। वो कहते हैं ना सर, वो कहते हैं ना कि ये लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, तो सर मैं कहता हूँ खा के पछताना ज्यादा बेहतर है। यानी आपने साबित ये हुआ कि आप पछता रहे हैं, यही बात आपने की ना, कि आपने कहा कि आप बेहतर समझते हैं कि खा के पछताया जाए, तो आप पछता रहे हैं। अब मैं अपनी बेटी से बात कर लूंगा, आपकी वाइफ को मैं बता दूंगा कि बेटी ये कह रहा है कि ये पछता रहा है फर्क, ठीक है?
फिर बेटे तू वाकई पछताना शुरू होगा, फिर तेरा वाकई पछताने का फेज शुरू होगा कि ये क्या ठीक है मंगा सर, लिया बिल्कुल मैंने। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। थैंक चल गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, हंसते खेलते रहो बेटा, सिंपली इन गुड यू सर, ह्यूमर। अल्लाह पाक कभी आप लोगों की लड़ाई आपस में ना कराए, आप हमेशा ऐसे ही नीचे लग के रहे, डर के रहे, तो लड़ाई किस लिए हो रही है भाई? एक बंदा पहले ही डरा पड़ा है तो लड़ाई क्यों होनी है? और वैसे भी लड़ाई बेटे वो होती है जिसमें दोनों फरीक बोल रहे हो, ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल अगर एक फरीक बोल रहे हो वो लड़ाई तो नहीं है ना, वो तो डांट है। ऐसे। इसलिए मेरी अपनी बेगम से कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया लड़ाई में दोनों फरीक बोलते हैं, मैं बोलता ही जी नहीं सर, भाई, मैं मासूम सा आदमी, चुप रहता हूँ, कभी मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं, क्यों फर्क से? ओ बिल्कुल भाई ये ऐसे। क्या कर दिया मुझे भाई, एडवर्ड भाई ब्राइट करें ब्राइट करें, क्या कर दिया मुझे भाई। अच्छा जी, मैं यह कह रहा था फर्क से मेरे बेटे, यहां तक कहानी समझ आ रही है आपको पूरी? यस सर, यस सर, मॉन्टिगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स फर्स्ट टाइम एवर यहां पे लेके आए हैं दो चीजें ऐसी जो पहले यहां पे मौजूद नहीं थी, जैसे कि बाइकैमरल सिस्टम जिसको हम डायरी भी कहते हैं, टू टियर सिस्टम भी कहते हैं। तो सुने जुमले, सेंट्रल लेजिस्लेचर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, मतलब सुने, सेंटर में भी डायरी और प्रोविंसेस में भी डायरी, फर्क क्लियर होगी बात? यस सर, क्लियर। गुड। अब देखें कि सेंटर में हमने दो हाउसेस बना दी, अपर हाउस लोअर हाउस, और सीटें भी मैंने आपको बताई इसकी 60 हैं, और 60 में से 33 इलेक्टेड हैं, 33 में से 11 मुस्लिम्स हैं, ये समझ आ गई बात आपको? यस सर, अच्छा, उधर अगर आप लोअर हाउस में देखें, सेंटर में ऊपर लोअर हाउस, सामने जिसको हमने लेजिस्लेटिव असेंबली कहा है, फर्क यस सर, नोट्स है ना सामने? यस सर, नोट सामने है ओके, सर, इसमें लोअर हाउस 145 सीटें हैं, ठीक है, 104। 145 टोटल है ना, 104 ओके इलेक्टेड हैं ओके सर, और 41 नॉमिनेटेड हैं, ठीक यस है। सर, अच्छा, और इसमें अगर आप गौर करें, ये 3 साल के लिए बनाया गया है, 3 ईयर्स के लिए, ठीक यस है। सर, अच्छा, चाहे अपर हाउस है चाहे लोअर हाउस है, दे कैन फ्री टू मेक लेजिस्लेशन फॉर होल ऑफ इंडिया, बट वेर एज फाइनेंस, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड चर्च इज कंसर्न, तो उसके लिए कोई भी ये बात करेंगे तो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइनलाइज बाय द गवर्नर जनरल, ठीक है फर्क? यस सर, तो वो गुफ्तगू जो 1774 में गवर्नर जनरल के बनने से शुरू हुई थी, 1858 में गवर्नर जनरल, 1861 में वीटो पावर वाला गवर्नर जनरल, 1892 में फाइनल अथॉरिटी वाला गवर्नर जनरल, 1909 में फाइनल अथॉरिटी वाला गवर्नर जनरल, और 1919 मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड में फाइनल अथॉरिटी वाला गवर्नर जनरल। बात समझ आ रही है आपको? यस सर, सब कुछ तो गवर्नर जनरल के पास था, सब कुछ तो गवर्नर जनरल के पास है। अच्छा, फिर आप प्रोविंसेस में जाइए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, तो प्रोविंसेस में हमने जो अपर हाउस है उसका क्या नाम है फर्क? सर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जेक्टिव काउंसिल, एग्जेक्टिव, ओके ठीक सर, है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लोअर हाउस का क्या नाम रखा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये यस लोअर हाउस सर, का नाम रख दिया। यानी फिर सुने जुमला, सेंटर में भी दो हाउस अपर हाउस लोअर हाउस, और प्रोविंसेस में भी दो हाउस अपर हाउस लोअर हाउस। अच्छा, ये जो एग्जेक्टिव काउंसिल है प्रोविंसेस में, अपर हाउस है जो, यही नाम है ना उसका फर्क? यस सर, तो एग्जेक्टिव काउंसिल ने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोअर हाउस, तू लोअर हाउस है, इसलिए जो अहम सब्जेक्ट्स हैं वो मैं अपने पास रिजर्व रखूंगा, और जो कम अहम समझूंगा वो तुझे ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस तरह सब्जेक्ट्स दो तरह के बन गए प्रोविंसेस में, यानी रिजर्व्ड राइट्स और ट्रांसफर्ड राइट्स। फर्क समझ आई बात? सर सर काइंडली सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें दोबारा सर। आई रिपीट,
एग्जेक्टिव काउंसिल जो है ना अपर हाउस प्रोविंसेस में, इसने कहा कि मैं अहम सीटें जो है अपने अहम पोस्ट अहम सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने पास रिजर्व रखूंगा। जैसे ओके कि सर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है फर्क इनके पास, पॉलिस, पुलिस इरिगेशन, है, फॉरेस्ट्री, जुडिशरी, जुडिशरी और इरिगेशन, फॉरेस्ट्री, हाँ जी, ये इन्होंने अपने पास रिजर्व रख लिए। किसने? अपर हाउस ने। ठीक है, ओके सर, तो जो अपने पास इन्होंने रिजर्व रख लिए, इनका नाम हमने रख दिया रिजर्व राइट्स। ओके सर, अच्छा, और जो है ट्रांसफर कर दिए जो उन्होंने लोअर हाउस को, उसका नाम उन्होंने रख दिया ट्रांसफर्ड राइट्स। ओके, तो ओके सर, लोअर हाउस के देखिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं फर्क, हेल्थ, फिशरीज, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फ्यू हेल्थ, फिशरीज, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। ठीक है जी, ये इन्होंने इंडस्ट्रीज, ये इन्होंने कर दिए ट्रांसफर, दोज आर नोन एज ट्रांसफर्ड राइट्स। और सीटें जो हैं यहाँ पे एज पर पॉपुलेशन कर दी जी उन्होंने, कि जिस, हालांकि मिंटो मॉर्ले में क्या की थी फर्क, कि जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा है सूबों में वहां 50, जहां छोटे कम पॉपुलेशन है छोटे सूबे पॉपुलेशन वाइज उनकी सीटें कर दी थी 30, लेकिन यहां पे उन्होंने कहा कि हर सूबे की पॉपुलेशन वाइज सीटें कर दो। अच्छा जी, और जी रेजिडुअल पावर्स भी कहते हैं, तायरा ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, और जो बात इस वक्त मैं कह रहा हूं 70-30, ये 70-30 क्या है फर्क, 70% इलेक्टेड मेंबर्स और 30% नॉमिनेटेड मेंबर्स। समझ आई बात, कहां गया फर्क? हेलो, वो कहां चला गया भाई, वो घूम गया, वो फर्क घूम गया यार। ओके, मेरी आप बात करा दें जी जाहिदा से, कराची नहीं, उससे बच्ची से बात करें, उससे बात नहीं, उससे नहीं थी, शजीहा, शजीहा नकवी, वो उस दिन कह रही थी मैंने बात करनी, फिर बात हो नहीं सकी थी। शजीहा, SHAJEE, 70-30 प्रोविंसेस में, लोअर हाउस में नहीं सुहेल, प्रोविंसेस में सीटें जो हैं वो 70-30 जी रेशो से, 70 इलेक्टेड और 30 नॉमिनेटेड। यार मेरी बात सुने अमीर हमजा साहब, इतना समझदार बच्चा क्या बात कर रहे हो यार। वो कह रहे हैं कि सर व्हेन दे डिड इट पॉपुलेशन बेस्ड, डिडेंट दैट नलीफाई द क्लॉज ऑफ द लखनऊ पैक्ट दैट एंश्योर दैट मुस्लिम्स वर गिवन सीट्स इन हिंदू मेजोरिटी। यार मेरी बात सुने भाई, ये तो वो आपस में बात कर रहे थे ना, हिंदू और मुस्लिम्स लखनऊ पैक्ट में इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते थे ना वो कोई भी चीज। ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स की तो मर्जी थी ना, उन्होंने इनकी बातों में से कोई चीज वो माने या ना माने, ब्रिटिशर्स की मर्जी थी। या क्या बात कर रहे हैं जी। हेलो, कौन है साथ? हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो शुजिया नहीं हो सकती भाई। अच्छा अस्सलाम ये फर्क खास कैसे रहा है भाई? हेलो एडवन भाई, क्या कर रहे हो? वालेकुम शुजिया किधर है भाई, बोलते क्यों नहीं, हंसने की आवाज आती है उसके। हेलो जी, किसी से बात करा दो भाई, सर, मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूं। मैं सर, कह रहा हूं पढ़ो। एडमिन अच्छा किसी और से बात कराओ यार, मैं क्यों बात कर, मैं तो कर ही रहा हूं बात। सर, मेरा एक सर सवाल था सर, यहाँ पर सर ओ आप हैं कौन भाई? फरुख बात कर रहा हूँ अच्छा फर जी, सर, यहाँ पे एक सवाल था सर, जैसे अभी लेजिस्लेशन है सर हमारी जो इसमें फेडरल गवर्नमेंट में बैठती है सर, उस टाइम की लेजिस्लेशन में और आज की लेजिस्लेशन की पावर्स में कोई फर्क था? क्या मतलब वही, वो हर दौर में जिस तरह इलेक्टेड मेंबर्स की तादाद ज्यादा होती है, जो जिस तरफ मेंबर्स की तादाद ज्यादा होती है तो वो बिल पास हो जाता है, हमेशा से ऐसे ही चलता आया बेटा, तो कोई फर्क नहीं। सर अच्छा सर, ये एक्चुअली सर ना होम सेक्रेटरी लेजिस्लेशन बैठता है सर, ये हमारे ना फेडरल गवर्नमेंट यानी सर अपर हाउस में बैठता है, अगर इस दूसरी सेंस में बात करें तो सर, वो जो होता है ना सर, व्हाट एवर द अमेंडमेंट्स आर बीइंग मेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द
सर वो जो जो भी चीज सर वो पास ऑन करते हैं सर, उसमें वो अकॉर्डिंग टू द लॉ अमेंडमेंट करके सर उसको पास ऑन करता है सर, इसी तरह का सर ये भी रोल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, ऐसे ही चलता है सारा सिस्टम। ठीक है, ओके सर, अच्छा ओके सर, जी, अब जी बात ये हो रही है कि मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब दी गई तो मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देने वाले खुद भी डाउटफुल थे कि पता नहीं ये रिफॉर्म्स चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। तो आखिर में उन्होंने कहा कि दीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिविजिटेड विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, और वाकई इनको रिविजिट करना पड़ा अगले 10 साल में। और 1927 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक भाई को भेजा, शुजिया नक्की को लाइन पे रखी जो कह रही है म्यूटेड मी अगेन, म्यूट कर दिए इन्होंने। सर जॉन साइमन उसका नाम था जी, सर जॉन साइमन जो था ही वॉज अ सच काइंड ऑफ पर्सन, वो अपने साथ 6 बंदे लेके आया। इट इज नोन एज साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन था ये जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस देने के लिए, तो बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दैट साइमन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि उन्होंने कहा कि साइमन यू आर सपोज टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस फॉर द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड यू आर नॉट हैविंग एनी मेंबर फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटीज इन योर कमीशन, आपके पास हमारा कोई बंदा ही शामिल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन में हमारा कोई बंदा ही नहीं, और कोई हमारा बंदा ही नहीं है बीच में। तो इस बात पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का कर दिया जी बायकॉट, साइमन गो बैक। और एक और स्लोगन, आप तो खैर से किसी और नाम से जानते हैं स्लोगन को, लेकिन हकीकत इसकी स्लोगन की है कि गो साइमन गो। आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं? गो बैक सर, साइमन गो बैक के नाम से। इतना मासूम ना बनना, आप लोग इसको जानते हैं गो नवाज गो के नाम से, है ना। हालांकि ये था गो साइमन गो। यार मैंने कहा श्रीयर नक्की को लाइन पे ले हैं, वो बिल आ रहा है, वो कह रही मुझे म्यूट कर दिया आपने दोबारा, वो हंस के चली गई। अच्छा जी, मुस्लिम इमरान कहते हैं गो नियाजी को, मोहम्मद अहमद कहते हैं गो इमरान को। यार इससे पहले भी था, आप लोग उस वक्त बहुत छोटे थे, गो मुशर्रफ को, यानी हम हर हुक्मरान को गो बीच में आगे पीछे गो लगा के बीच में उसका नाम लगा। जी शेजी हेलो, वो बोलती नहीं हो भाई, देखा शेजिया हेलो, पता नहीं जी बंद करें जी, मेरी बात सुने ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि साइमन कमीशन में कोई लोकल आदमी शामिल नहीं था, इसकी बेस पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका कर दिया बायकॉट। और साइमन कमीशन, साइमन इतना ढीठ आदमी था, ढीठ आदमी, वो फिर भी अपनी रिकमेंडेशंस दे के गया। क्या क्या रिकमेंडेशंस दे के गया? शजिया नकवी कहती है सर इस शायद जन्म में बात होनी मुश्किल लग रही है, कभी नेटवर्क इशू, कभी एडमिन इशू, कभी माइक इशू। नहीं जी, हमारे ना नेटवर्क में इशू है, ना एडमिन में इशू है, ना हमारे माइक में इशू है। शजिया नकवी आपके लाके कराची में कितना पानी खड़ा है, वहां पे हमारी आवाज ही नहीं जा रही थी आपको, हैं जी, कभी नेटवर्क इशू। और सर बोथ हैंड्स पे वो कह रही, ना जी ना, हमें नहीं कुछ कहना, हमें दोष मत दिया जाए, हम पूर्णमासी की रात में अपने पे दोष लेने को तैयार नहीं हैं, चारों ओर घटाएं छा रही हैं, शायद कोई घटना घटने वाली है। क्या घटना घटने वाली है जी? ये घटना घटने वाली है कि साइमन कमीशन का कर दिया इन्होंने बायकॉट, साइमन फिर भी अपने रिकमेंडेशंस दे के गया। क्या कहता है साइमन? साइमन कहता है डायरकी सिस्टम अबॉलिश्ड, नाकाम हो गया। कहता है साइमन, कहता है कि सब कॉन्टिनेंट में डायरकी सिस्टम अबॉलिश कर दो, नहीं चल सका टू टीयर सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम यहां पे। दूसरी बात कहता है साइमन, फिर
फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहां लगा दो। तीसरी बात कहता है साइमन के सिंध को बंबई से अलग करना है या नहीं, इट विल बी फर्दर एग्जामिन्ड। चौथी बात साइमन कहता है कि एनडब्ल्यूएफपी को छोटे सूबों वाले राइट्स तो नहीं देने, बस एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दो। अगली बात साइमन कहता है कि सीट्स एज पर पॉपुलेशन कर दो, तो वो सीटें जो 1861 में 12 थी, 1892 में 16 थी, 1909 में 60 थी, मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड में 60 थी, यहां पे वो कहता है एज पर पॉपुलेशन कर दो। तमाम पावर्स कहता है गवर्नर जनरल के पास होनी चाहिए। ये कह के गया साइमन, बैडली बायकॉटेड, कॉम्प्रिहेंसिवली बायकॉटेड साइमन वाज। और साइमन की तो जिस वक्त इन्होंने बायकॉट कर दिया रिकमेंडेशंस का, तो लॉर्ड बर्कनहेड द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा इंडियंस, यू पीपल कैन नॉट मेक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस फॉर योरसेल्व्स एंड द रिकमेंडेशंस व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यू मेक बायकॉट ऑफ दैट। ओए तुम उसका बायकॉट कर देते हो, खुद बनाने के काबिल नहीं हो, जो हम बना के देते हैं उसका बायकॉट कर देते हो। इस बात पे नेहरू साहब जो है वो गुस्सा खा गए और वो कमरा बंद करके जा बैठे अपने साथ कुछ लोग लेके, और नेहरू रिपोर्ट बनाने लगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन बनाने लगे सब कॉन्टिनेंट के लिए। 1927 में साइमन क्वेश्चन आई थी, उसके बाद वो बैठ गया था नेहरू, और अभी नेहरू रिपोर्ट अभी आनी थी, उससे पहले 1928 में दिल्ली में एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े तमाम पॉलिटिकल जमातों के लीडर्स मौजूद थे, तो वही उसी रेस्ट हाउस में जिन्ना भी ठहरे हुए थे वहीं पे, नेहरू वगैरह भी ठहरे हुए थे, तो शाम को चाय पे जिन्ना और नेहरू की मुलाकात हो गई। तो नेहरू ने कहा कि जिन्ना, दीज आर दिल्ली प्रपोजल्स, दिल्ली में हो रहे ना, तो दिल्ली प्रपोजल्स। नेहरू ने कहा जिन्ना अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट सरेंडर कर दें, देखिए उन्हें हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट से तकलीफ कितनी है, क्योंकि मैंने आपको आज लेक्चर के शुरू में बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जिस कम्युनिटी को दिया गया वो कम्युनिटी हैज बीन कैटेगराइज एज अ सेपरेट नेशन, और अगर वो सेपरेट नेशन है तो सूनर और लेटर सेपरेट होमलैंड मिलेगा। तो भाई ये बात है, इतनी तकलीफ है उन्हें हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो उन्होंने, नेहरू ने जिन्ना को कहा दिल्ली प्रपोजल्स में कि जिन्ना अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दें तो हम आपकी बाकी तमाम बातें मानने को तैयार हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे जिन्ना छोड़ दें, वही तो सबसे बड़ी अब तक की पॉलिटिकल अचीवमेंट थी सब कॉन्टिनेंट मुसलमानों की। लेकिन जिन्ना तो जिन्ना है ना भाई, आप जिन्ना से बात करेंगे तो हारेंगे ना, क्योंकि ये तो होगा, ठीक है जी, यही तो जुर्म है ना मेरा कि जिन्ना हर बात को जीत के देते हैं। जिन्ना ने कहा नेहरू, क्या कहा, कहा नेहरू मैंने छोड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट, तू मुसलमानों के लिए वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन मान के रख। नेहरू मैंने छोड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट, सिंध को बंबई से अलग कर दे। नेहरू छोड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट, एनडब्ल्यूएफपी और बलोचिस्तान को बाकी तमाम छोटे सूबों जैसे राइट्स दे दे। नेहरू मैंने छोड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट, सीट एडजस्टमेंट लखनऊ पैक्ट वाला कर दे। नेहरू मैंने छोड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट, तू क्या कर दे, मुसलमानों के कोई किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बिल तब तक पास ना हो जब तक उसकी 75% मेजोरिटी साइन ना कर दे। नेहरू सोच भी नहीं सकते था कि जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट सरेंडर कर देगा। जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट सरेंडर कर दिया, नेहरू वाज शॉक्ड एंड जिन्ना रॉक्ड, ठीक है जी। जिन्ना ने जिस वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दिया तो नेहरू अब मजबूर हो गया, क्योंकि खुद ही तो ऑफर दी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ो बाकी तमाम बातें मानता हूं। तो नेहरू फंस गया, क्योंकि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने नेहरू को कहा कि नेहरू तुम होते कौन हो, मुसलमानों के साथ किसी भी किस्म का पैक्ट बनाने वाले, हम तुम्हारी किसी बात को नहीं मानेंगे। तो नेहरू अपना वादा पूरा न कर सका,
इधर क्या हुआ, मुसलमान भी लड़ पड़े आपस में जिना से। उन्होंने कहा जिना हमने इतनी मुश्किल से लड़ झगड़ के 1906 में शिमला डेलीगेशन करके इसकी दाग बेल डाली सेपरेट इलेक्टोरेट की, 1909 में मिंटो मॉरले में हमें मिला, ये अब तक की पॉलिटिकल अचीवमेंट है बेस्ट पॉसिबल मुसलमानों की, और तुमने सेपरेट इलेक्टोरेट सरेंडर कर दिया जिना, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। तो मुस्लिम लीग भी आपस में लड़ पड़ी, मुस्लिम लीग जिना ग्रुप अलग, मुस्लिम लीग फजल ग्रुप अलग, यूनियनिस्ट पार्टी पहले ही अलग थी, मजलिस एहरार पहले ही अलग थी, जमीयत उलमाए हिंद पहले ही अलग थी। तो मुसलमान टुकड़ों में बट गए। ऐसे में आई 1928 में नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक जगह लिखते हैं कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले द प्रे ऑफ रैबिट्स विद द हेल्प ऑफ माय ब्लड हाउंड्स, और वो कहते हैं कि मेरे ब्लड हाउंड्स जो हैं वो शिकार का खरगोश का वो हशर नहीं करते थे जो नेहरू रिपोर्ट में नेहरू ने मुसलमानों का किया है। तो जब नेहरू रिपोर्ट में नेहरू ने मुसलमानों का हशर बघेर दिया तो ये तमाम मुसलमान जो आपस में लड़े हुए थे ये वापस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। नेहरू क्या कहता है, नेहरू कहता है मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नॉट रिकमेंडेड, नॉट अलाउड, नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के लिए वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। मुसलमानों के लिए जॉब्स में कोटे नहीं चाहिए। वो कहता है कि मुसलमानों को जहां बहुत मेजॉरिटी में है वहां पे इनको वन थर्ड नहीं वन फोर्थ दे दो सीटें। वो कहता है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, तेरी तमाम बातें हिंदूज की। तो मुसलमानों को ना सेपरेट इलेक्टोरेट से सीट मिले, ना वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन मिले, ना जॉब्स में कोटे मिले, जहां बहुत मेजॉरिटी में है वहां वन फोर्थ सीटें मिले, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दो। तो मुसलमानों को क्या मिला, मजीद जुल्म ये किया नेहरू ने कि उसने इंग्लैंड तक ये पैगाम भिजवा दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द सब कॉन्टिनेंट हैव कम टू एन एंड इन द फॉर्म ऑफ नेहरू रिपोर्ट एंड नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस हैव बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ नेहरू रिपोर्ट। फौरी तौर पे जिना ने इस पे एक्शन लिया और इंग्लैंड में भी बताया कि भाईजान कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म नहीं हुए, चॉटिक सिचुएशन इज स्टिल देयर। जिना ने कहा मुसीबत अपनी जगह कायम है, डेडलॉक अपनी जगह कायम है, वी मेक कॉम्प्रीहेंसिव बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन एंड ऑफ नेहरू रिपोर्ट। और फिर जिना ने दिए अपने 14 पॉइंट्स जो कि मैग्ना कार्टा कंसिडर होते हैं, लिखे हुए हैं आपके सामने। जिना ने कहा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिन्होंने कहा तमाम कम्युनिटीज को पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में उनको एंट्री दी जाए समहाउ ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन बने पॉलिटिक्स में, जिन्होंने कहा मुसलमानों के लिए वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन होगी, जिन्होंने कहा मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, जिन्होंने कहा सिंध को बंबई से अलग कर देंगे, जिन्होंने कहा NWFP और बलोचिस्तान को छोटे सूबों जैसे राइट्स दे देंगे, जिना ने कहा मुसलमानों के लिए जॉब्स में कोटा होगा, जिना ने कहा मुसलमानों के लिए मिनिस्ट्रीज में वन थर्ड कोटा होगा, जिना ने कहा मुस्लिम कल्चर और सेफ कल्चर को सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, हेरिटेज एंड कल्चर को मुस्लिम सेफ गार्ड को सेफ मुस्लिम कल्चर और हेरिटेज को सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिन्होंने कहा किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक उसकी 3/4 मेजोरिटी उसको साइन न कर दे, जिन्होंने कहा कि कोई टेरिटोरियल चेंज ऐसा नहीं होगा विच मे डिस्टर्ब द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। ये आपने सुना होगा कराची में MQM कहती है हल्का बंदियां, यानी आप कहते हैं एक हल्के को खोल के दूसरे हल्के को उसी से उसमें डाल दें तो उधर जो वोटर्स है सारे वो दूसरी पार्टी के हैं, तो उससे इस हल्के से भी मेजोरिटी गई आपकी, दूसरे हल्के में तो पहले ही नहीं थी। तो जिना ने कहा कोई टेरिटोरियल चेंज ऐसा नहीं होगा जो मुसलमानों के मेजोरिटी एरिया को डिस्टर्ब करे। दीज वर द 14 पॉइंट्स गिवन बाय जिना जो अपनी जगह एक मैग्ना कार्टा है। दीज वर बायकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स ने दिया, बायकॉटेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने दी, बायकॉटेड बाय मुस्लिम लीग। 14 पॉइंट्स मुस्लिम लीग ने दिए, बायकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो डेड लॉक क्रिएट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेशंस में। तो जब इतना डेड लॉक क्रिएट हो गया तो जिना रोट अ लेटर टू द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, हिज नेम वॉज रेमजे मैकडोनल्ड। जिना ने उसको खत लिखा और उसको कहा कि दिस डेड लॉक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस में जो डेड लॉक आ गया है, इट कैन बी रिमूव्ड ओनली इन अ मैनर कि ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड सिट अंडर द वन रूफ एंड टू डिसाइड द थिंग्स इन अ मैनर ऑफ गिव एंड टेक। कुछ आप दें कुछ हम दें, मिलजुल के अंडर वन रूफ बैठ के वहीं पे तय कर लिया जाए। तो फिर रेमजे मैकडोनल्ड ने इस बात से किया जी एग्री, और उन्होंने कहा कि हम यहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो है वो सबको यहाँ पे लेटर्स भेजेंगे। आप मिला लें जी जायदा फारूक से, मिला लें जी इधर। अच्छा जी एडवन आपको क्या, जायदा फारूक। अच्छा जी, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर्स भेजे गए कि आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के लिए इंग्लैंड आना है। लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स बड़े खुश हुए कि हम एरोप्लेन तो ऐसे होते नहीं थे फ्रीक्वेंट, तो शिप में बैठेंगे और इंग्लैंड जाएंगे जी सैर करेंगे। सारे खुश थे, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स खुश थे और जिना भी खुश थे, और ऐसे में गांधी जी भी खुश थे, बड़े खुश थे जी कि शिप में जाऊंगा इंग्लैंड, शिप के आगे ऐसे करके खड़ा भी हो जाऊंगा। ऐसे पता नहीं क्यों खड़े होंगे, नहीं पता। तो लेकिन अचानक गांधी साहब ने पूछा कि भाई व्हाट वुड बी द एजेंडा ऑफ दीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो ही वॉज टोल्ड कि एजेंडा है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन फॉर सब कॉन्टिनेंट। तो कांग्रेस ने कहा सॉरी वी मेक बायकॉट ऑफ दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन फॉर द सब कॉन्टिनेंट, तो देर इज नो नीड टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट हैड ऑलरेडी बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ नेहरू रिपोर्ट। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक अ फर्म स्टैंड that they never wanted to discuss any kind of constitutional recommendations other than the reforms given in Nehru report. Due to this particular rigidity, Congress made boycott of first round table conference. British government dealt them with iron hands and millions of the workers of Indian National Congress were imprisoned. Jail mein dal diya lakhon logon ko unke. Gandhi ji bhi jail mein chale gaye ji. Maran bharat rakh liya unhone, hunger strike kar di. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई नरमी ना बरती और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड एट इट्स टाइम ऑन 12 मार्च 1930। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या हुआ, रन डाउन नोट करें जी एक साइड पे फटाफट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी चीज लिखें गांधी इरविन पैक्ट, IRWIN इरविन, गांधी इरविन पैक्ट। तीसरी चीज लिखें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चौथी चीज लिखें कम्युनल अवार्ड, कम्युनिटी से कम्युनल अवार्ड August 1932। तीसरी चीज है जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उस्मान, चौथी चीज है कम्युनल अवार्ड August 1932। पांचवी चीज लिखें पूना पैक्ट, PUNA, पूना पैक्ट September 1932। एंड नंबर सिक्स थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड चीज है जी गांधी इरविन पैक्ट हफ्सा, सेकंड चीज है गांधी इरविन पैक्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हो बेटे, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरी बेटी क्या हाल है कराची के, कुछ बेहतर आई है बेटी, यही सूरत हाल में? सर मैं लाहौर में होती हूँ। आप कराची से? नहीं, कराची से कौन सा बच्ची, उसने मेरे से बात हो रही थी, वो शजीहा, शजीहा है ना। अच्छा आई एम सॉरी बेटा मैं नाम भूल गया, तो आप बता दें कराची के हालात है, पढ़ती नहीं आप? सर पता नहीं क्या हालात है, पता क्यों नहीं है, पढ़ती रहा करो, सुनती रहा करो। प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, बहुत ह्यूज पैकेज का ऐलान करके आए हैं उनके लिए, आपने पढ़ा नहीं सुना नहीं बेटे? वो
ये तो सुना है। बेटा सुना करें ना, ये आपके लिए बड़ी जरूरी है चीजें। हम ना कह रही हैं कराची स्टिल स्ट्रगलिंग, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, रियली फील वेरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, तो ज्यादा यहां तक कहानी समझ आई आपको? जी सर। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में क्या हुआ, इसका आउटकम क्या निकला, 1935 का एक्ट कैसे बना और वो क्या क्या प्रोविजंस थी उसकी, और 1947 तक गुफ्तगू कैसे जाएगी, ये सब कुछ हम देखेंगे अगले धारावारिक में। ठीक है? जी सर। सो जेंटलमैन व्हाट सो एवर वी हैव ट्राई टू, इससे पहले मैं आपको बात बताता हूं, ये आपके पास कॉलम्स में बनी हुए 1774 से यहां तक ज्यादा, ओके? किसी जी भी बुक में आप लोगों को ये 150-200 सफों से कम पे चीजें नहीं मिलेंगी। मैंने ये 2-3 पेजेस पे समेट किया सब कुछ, ये बात समझ आ रही है? यस सर। आपने करना ये है कि आपने ये जो कॉलम्स हैं इनमें आप गौर करेंगे ना जब ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हैं। ठीक है? वो कॉमन छह यस सर। सात पॉइंट जो है, यानी ये 20-25-30 क्वेश्चन जो हैं, सिर्फ वो 6-7 पॉइंट आप करेंगे तो ये 20-25-30 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर्ड एक किस्म आधे आधे हो जाएंगे ये। ठीक है? यस सर। अब मैंने क्या कहना है कि जेंटलमैन व्हाटसोएवर वी हैव ट्राई टू डिस्कस टुडे, रिपीट इट, कॉम्प्लीट इट एंड कंक्रीट इट, एंड नेवर लेट इट गो टू एनीबडी एल्स, के हाउ सिंपल इट इज, सिंपल इट क्या इज। है, बेकार है, बस यू पीपल आर प्रिशियस, कितने, वी वेरी वेरी प्रिशियस, सो ट्राई टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बिकम व्हाट द बेस्ट बेस्ट पॉसिबल सन्स और डॉटर्स ऑफ योर पेरेंट्स, के इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है, और अगर कोई रास्ता है भी तो एटलीस्ट वो मुझे बता नहीं है। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, कीप फ्लाइंग एंड एंजॉयिंग इट, सलमान खान साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।